हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज आपको हम गर्मा गर्म जलेबियाँ खिलाने लाए हैं, जो कि हमारे एक भैया हैं जो कि अपने जलेबी के लिए बहुत ही अमृतसर में फेमस है, और पप्पू जलेबियाँ वाले अमृतसर में बहुत ही फेमस है, और 1970 से ये दुकान चला रहे हैं, जाने कि इनको 50 साल से ऊपर हो गए हैं जलेबी का काम करते हुए। और जो लोकेशन है वो है सुल्तान मीन रोड है, वहाँ पर इनकी जो है काट है। तो बहुत ही बढ़िया जलेबी बनाते हैं, सारा सामान जो होता है सौदा होता है बढ़िया, मतलब क्वालिटी का ये लेके आते हैं, तैयार करते हैं, और इनके हाथ में बेसिकली जलेबी बनाने का बहुत ही आर्ट है। तो चलिए गाइस, भैया से करेंगे बात, उससे पहले थोड़ी सी लोकेशन आप चेक कर लीजिए। ये जो आप रोड देख रहे हैं अपना सुल्तान मीन रोड वाली, काफ़ी फेमस रोड है और बहुत ही आसान है इनकी दुकान पर आना। आप जब सुल्तान मीन एंटर करेंगे तो साईं मंदिर के साथ ही इनकी कार्ट लगी हुई है, इनकी दुकान है। तो बहुत ही बढ़िया जलेबी बनाते हैं भैया। तो चलिए गाइस, करते हैं भैया से बात। तो गाइस हमारे साथ हैं दुकान के ओनर, तो नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते सर। तो सर, हमने तो बहुत सुना है आपकी जलेबी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद ही बताइए, कब से शुरू किया और किसने शुरू किया था काम ये? सर हमारी शॉप सन 70 से हमारे दादाजी ने चालू की थी, श्री बलवंत राय जी ने। अच्छा, ये उन्होंने की? हाँ, उनके बाद मेरे पापा आए, श्री अरविंदर कुमार जी, पप्पू जी। अच्छा, उनके नाम पर? उनके नाम पे ये शॉप चल रही है। क्या बात है। हाँ जी, जलेबी वाले उनके नाम है। कम से कम 52 साल हो गए हमारी शॉप को। बाकी में दोस्तों हमने बहुत सुना है इनका। तो सर लोकेशन पड़ती है सुल्तान मीन रोड ओपोजिट कोट करनैल सिंह। ओके, और साथ में साईं मंदिर वाली गली। साईं मंदिर वाली गली साथ में लगती है। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया कितने बजे आ जाते हो? सर हम आते हैं 2 अंदर, तैयारी करते हैं, फिर 4 से लेके रात के 10:30 तक जलेबी हमारी चलती है जी। तो सर आपकी जो जलेबी की इतनी तारीफ सुनी है, तो क्या खासियत है? सर हमारी जलेबी बनती है प्योर वेजिटेबल घी होता है। अच्छा जी। ये हल्का सा रिफाइंड डालते हैं बीच में। ओके। कि जलेबी ठंडी भी हो जाए तो घी जमता नहीं है जलेबी में, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। हाँ, हमारी जलेबी की खासियत ये है कि कहीं और से भी जलेबी खाते हो केमिकल से कुछ, इसमें कोई केमिकल नहीं तैयार करना। चक्कर नहीं है। हमने एक दिन पहले मैदा और पानी लगा के रखना, उसको खमीर कर, उसको खमीर करके फिर जलेबी बनती है। दो हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे अपना जो खमीर दिया हुआ मैदा है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हम आप दिखाएंगे। बिल्कुल। अपना जो चाशनी वगैरह वो कैसे तैयार करते हो? सर चाशनी हम प्योर खंड से तैयार करते हैं, कुछ बीच में कोई सेंसिटिव डालना कोई उससे तैयार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। कितने तार की चाशनी होती है? चाशनी हमारी होती है 2 की होती है, और इसको कम से कम 2 आग पे रिझाया जाता है, फिर उसमें स्वाद बनता है, ऐसे नहीं है। ओके। हाँ जी, हाँ जी ठीक है सर। अपना जो बैटर वगैरह आपने तैयार किया वो हमें दिखाएं पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाशनी भी दिखाते हैं अपना बैटर। हाँ ठीक है, जलेबी के लिए ये हमारा तो दिखाएं हमारे दोस्तों को निकाल के बाहर। एक्चुअली खत्म हो गया थोड़ा सा, मैं बनाने लगा था। अभी बनाने वाला है। देखो ये हमारा मैदा होता है। क्या बात है जी। तो कुछ बताइए कैसे तैयार होता है ये? सर ये मैदा होता है, एक दिन पहले हम पानी और मैदा पतला सा घोल के रखते हैं। ठीक है जी। वो अपने आप खमीर बनता है। क्या बात है। आधा वो मिक्स करना, मतलब काफी आर्ट वाला काम होता है जलेबी बनाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी का काम नहीं है बना ले। मतलब अब जैसे मेले मूले होते हैं उसमें होता है कि, और मनोज मैं देख रहा हूँ आपने चाटी में मतलब रखा है, ये बड़ा चाटी का भी एक रीजन है सर। अच्छा, सर इसका रीजन ये है कि इसमें मैदा ठंडा रहता है, मुलायम रहता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ क्या बात है जी। तो ये कितने घंटे में ये बैटर तैयार हो जाता है हमारा? ये सर एक दिन पहले जब लगाते हैं ना उसी टाइम तैयार हो जाएगा। अब हम आधा वो मिक्स करेंगे, आधा सूखा मैदा वो तैयार हो जाएगा, लाएंगे साथ में खमीर हो जाएगा। हाँ, साथ में खमीर हो जाएगा। क्या बात है। और चाशनी के बारे में बताएं। सर चाशनी हमारी प्योर खंड की होती है, इसमें कोई सेंस नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। ठीक है। ये हमारी चाशनी देखो काफी गाढ़ी है, वाइट रंग रखते हैं चाशनी का, बिल्कुल सफेद रंग है, इसमें कोई केमिकल नहीं आपने यूज किया हुआ? नहीं सर। ठीक है मनु जी। हाँ जी, हमारे लिए भी जलेबी तैयार कीजिए, फिर हम आगे अपने दोस्तों को बताते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनु भैया करने लगे हैं जी हमारे लिए जलेबी तैयार। हाँ जी सर। तो भैया ये हम भी कर सकते हैं या आप भी कर सकते हो? नहीं सर, ये देखने के लिए आसान है। अच्छा, देखने में आसान है, बट नहीं होगा ये हमसे। सही है। तो भाई ये देखिए, मेरे हैं वो ना ये पीस बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये वाला? हाँ, सिंगल पीस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर देना हमारा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपके सामने वो बोले हमको सिंगल हमको चाहिए। क्या बात है। वाकई में दोस्तों पप्पू जलेबी वाले बहुत ही फेमस है सुल्तान मीन रोड पर, तो कभी आए तो इनके पास जरूर ट्राई करें।
क्या बात है ये, वाकई में भैया काफ़ी फूल गई है ये, मतलब हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर खमीर हुआ हुआ है मैदा हमारा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें मतलब मीठा तो नहीं होता खमीर जब तैयार करते हो? ये सारे शुगर फ्री है बिल्कुल। अच्छा जी, बस जो ये होगा हमारा जब चीनी में जाएगा। हाँ जी सर। और दो तार की आपने चाशनी जो है तैयार की हुई है? हाँ बिल्कुल सर। क्या बात है जी। सो गाइज होती हैं तैयार तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए बन गई हमारे लिए जलेबी, तो होगी मन्नू भैया रेडी? तो भैया आप बता रहे थे भी हमारी दो दिन तक ख़राब नहीं होती, इसके बारे में बताइए। सर ये हमारी जो जलेबी है ना ये बिना केमिकल के है। अच्छा जी, इसीलिए मतलब जैसे मेले लगते हैं केमिकल के, केमिकल से जलेबी तैयार होती है। अच्छा, केमिकल लिफाफे में डाल के घर लेके जाओ नरम पड़ जाएगी। अच्छा, खराब हो जाएगी यानी कि? ये हमारी गारंटी है कि दो दिन ये ऐसे मतलब ऐसे ही मतलब इसका टेक्सचर रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं नहीं सर। तो ठीक है, अपने मन्नू भैया हमारे लिए तैयार कर दीजिए। तो भैया क्या रेट रखा हुआ है आपने? सर इसका रेट हम देते हैं सिर्फ 40 रुपये पाव। अच्छा 40 रुपये पाव है? पाव है। मतलब किलो के हिसाब से आप ले सकते हो जितनी भी लेनी है हमने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने कम खानी है तो कम भी आप दे देते हो? कम भी 10 रुपये के भी दे देते हैं। वो भी आप दे देते हो? बहुत ही बढ़िया बिल्कुल। तो सो गाइस काफ़ी फेमस है पप्पू जलेबी वाले। तो बस हमारा जो तैयार होने वाला फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो गाइस कर दी भैया ने हमारे लिए जलेबी तैयार, तो खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। भैया कुछ बता रहे थे भी हम इसमें कुछ खुशबू के लिए भी डालते हैं, और बिल्कुल वाइट जो इनका जो बैटर होता है वो तैयार करते हैं। बैटर तैयार करना ही सबसे बड़ी इनका जो सीक्रेट है जलेबी बनाने का, तो बहुत ही फेमस है सुल्तानमंड रोड पर पप्पू जलेबियाँ वाले। और बैसाखी वाले दिन तो बहुत ही रश होता है, इनके पास लाइन लग जाती है। तो हमने ट्राई के लिए ये लिए है, और जो इसकी कीमत है 40 रुपये पाव के हिसाब से देते हैं ये। अब जितना कम ज़्यादा लेना हो आपको मिल जाती है, और 10 रुपये की भी अगर कोई खाना चाहे तो वो भी भैया दे देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रही है और बिल्कुल बहुत गर्म है। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं। फंटेस्टिक दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जो चीनी वाला सिरप तैयार किया है उसका तो बहुत ही बढ़िया इसमें टेक्सचर आया है, और बिल्कुल कुरकुरी है, बिल्कुल खस्ता जिसे बोलते हैं जलेबी तैयार हुई है। तो गाइस अपने छोटे भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।